हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। हुआ है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया, बट द बेस्ट थ्रो ऑफ 87.58 मीटर्स। और जबरदस्त परफॉर्मेंस जी नीरज चोपड़ा की तरफ से, जस्ट 23 इयर्स ओल्ड। और मैं अभी पूरा फाइनल देख रहा था और पहले थ्रो पे ही जो है, जो बॉडी लैंग्वेज थी नीरज की, उससे आइडिया हो गया था। आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन कवरिंग स्पोर्ट्स, एक आइडिया आपको हो जाता है बॉडी लैंग्वेज देख के कौन सा एथलीट का अच्छा दिन है। और आज नीरज चोपड़ा का अच्छा दिन था और उनकी जो सेकंड थ्रो थी, दैट वाज द बेस्ट इन विच ही गॉट 87.58 मीटर्स। उसका लास्ट थ्रो भी उनकी बहुत अच्छी थी, इट वाज इनफ टू गेट इन द गोल्ड। और आज इंडिया के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा जी, ओलंपिक्स में ना सिर्फ नीरज ने गोल्ड मेडल जीता ही, और बाय द वे दिस इज ओनली द सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वन बाय इंडिया इन ओलंपिक्स हिस्ट्री। एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में शूटिंग में, और ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है। परफॉर्मेंस वाइज दिस हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया इन एनी ओलंपिक गेम्स, क्योंकि दे हैव फिनिश्ड अप सो फार, दे हैव फिनिश्ड अप विद 7 मेडल्स 1 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। क्योंकि आज जो है बजरंग पूनिया ने भी जो है 65 kg रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, द इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज एंड द इंडियन पीपल शुड बी रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटेंजेंट। इन अदर्स, इन सम अदर स्पोर्ट्स लाइक इन गॉल्फ टुडे, वुमेन्स गॉल्फ, दे कुड हैव गॉट अनदर मेडल, बट अदिता अशोक शी फिनिश्ड 4th एंड जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ ब्रॉन्ज, बट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फॉर्मर। क्योंकि अगर आप कंसिडर करें तो जो विमेंस गोल्फ चैंपियनशिप थी उसके पहले जो 3 राउंड्स थे उसमें शी वॉज लाइक इन 3rd पोजिशन इन द टॉप 3। आज वो परफॉर्मेंस वो नहीं रिपीट कर पाई, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट शी इज़ रैंक 200 इन द वर्ल्ड इन प्रोफेशनल गोल्फ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इस खातून की तरफ से, वो बिलोंग्स टू बेंगलोर। बट कमिंग टू द जैवलिन थ्रो, अर्शद नदीम जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाकिस्तान ओनली होप ऑफ गेटिंग एनी मेडल इन दिस ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट टू क्वालिफाई फॉर एनी ट्रैक एंड फील्ड 11 फाइनल्स इन द ओलंपिक्स। एंड आई विल से दिस मच, अर्शद कोई मेडल नहीं जीत पाए, ही वॉज देयर टू द लास्ट थ्रो, ही वॉज इन द रन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। अगर लास्ट थ्रो पे वो अपना बेस्ट करते हैं विच इज 86.38 मीटर्स तो वो ब्रॉन्ज मेडल के रन में आ जाते, बट ही कुडंट डू दैट। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि 2 दफ़ा जो है जो अटेम्प्ट्स किए अर्शद ने, उसमें से 2 दफ़ा अर्शद से फाउल हो गए, तो वो पॉइंट्स ही नहीं वो ले सके। और फाउल क्या हुआ है, टच लाइन को उन्होंने, लाइन को जो है टच कर दिया, विच यू कॉन्ट डू इन जैवलिन थ्रो। प्लस आई थिंक क्योंकि साथ में 10,000 मीटर्स के फाइनल्स चल रहे थे, कुछ और ट्रैक एंड फील्ड्स के इवेंट चल रहे थे उसी स्टेडियम में, तो आई थॉट कि अर्शद नदीम मे बी वॉज डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ही डजेंट हैव द एक्सपोजियर दैट नीरज चोपड़ा हैज, दैट द अदर एथलीट्स हैड इन द जैवलिन थ्रो। और साफ आपको नजर आ रहा था कि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है उनका, बिकॉज आई एम श्योर इफ ही हैड द फोकस ही कुड हैव रियली डन वेल इन दिस कॉम्पिटिशन, ही हैड अ वेरी गुड चांस ऑफ winning the bronze. And it was good to see that at the start of the competition, Neeraj and Arshad shook hands and Neeraj wished him good luck. And that's good because Arshad kehta hai ki ji, Neeraj ko wo bahut zyada idolize karta hai, follow karta hai. And why not? Because Neeraj Chopra today proved that he's one of the best Indian athletes ever produced in history. Kyunki zabardast uski throw thi, beech mein thoda sa wo phasa aake, but I think jo uski second throw thi, he put everything into it. But his body language was like, you know, from the start aapko lag raha tha ki ye jo hai gold medal jeet sakta hai ye banda. Aur second throw aur last throw, he did it, he nailed it there. Aur for him it became easier also in the sense, kyunki jo uska sabse bada competitor tha Wieter from Germany, he couldn't even qualify for the final 8, matlab he was knocked out in the first 12 aur qualifying rounds mein wo bahar ho gaya, to aaj to wo top 8 mein bhi nahi aaya. Arshad Nadeem ke liye bahut badi baat hai ki wo top 8 mein usne qualify kiya, and till the last he was there, he could have finished in the top 3. But I think jo commentators bhi keh rahi thi aur jo experts baithe hue the jo commentary kar rahe the is javelin throw final pe, they were praising Arshad Nadeem and they felt that this guy has still not given his best throw and he has a lot on him, he has a lot of potential in him and he can throw. Magar uske bawajood bhi isse andaaza lagaye ki hum bade talented log hain
और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। आई विश के इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीजों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास टैलेंट कितना है, अगर हम इनको सही फैसिलिटीज बच्चों को हर स्पोर्ट्स में दें और आप स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करें, कई स्कूल में स्कूलों पे टूर्नामेंट होते थे, कोई कॉलेजेट होते थे, जो होते थे, ये सारी चीजें खत्म हो गई है। अब ये लोग बेचारे रोडों पे गलियों में खुद भाग के खेलते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, हॉकी प्लेयर बन रहे हैं। इस वजह से हमारी डाउनफॉल हॉकी में भी दूसरी जम पे उसको संभाल नहीं रहा। आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे हैं, आप दुनिया के उन चंद नामवर क्रिकेटर्स में से हैं, लेकिन आप भी नाजमाबाद की गलियों में खेलकर जो है आप आए कौमी टीम के अंदर। ये नेशनल स्टेडियम के अलावा हमारे पास और कौन सी फैसिलिटी होती थी? आपने भी खेला, आपने जज्बे से खेला था, लेकिन ये कि सरपरस्ती आने से जो है, जो सरकारी सरपरस्ती और फिर उसका फेम होने से लोगों को, हमारे यहाँ लोगों को वो फेम नहीं दिया जाता, वो सहूलत नहीं दी जाती है, तो इस सिलसिले में कुछ कहें। सहूलत तो बहुत जरूरी है ना, मतलब इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है। देखिए हमारे टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त स्कूल और कॉलेजेस में क्रिकेट होती थी, स्पोर्ट्स होती थी, तो वहां से कोई ना कोई तो निकल आता था ना, मगर वो चीजें भी अब खत्म हो गई। स्कूल जो है, आप मुझे बताए कोई भी स्कूल है, उसके पास एक ग्राउंड ही नहीं है, इतनी फैसिलिटी दी नहीं है, सवाए मतलब यानी कि बिल्डिंग में तो स्कूल बन गए, छोटे छोटे बन गए, सारे बन गए, राइट? नोबडी इज बॉदर्ड फॉर द स्पोर्ट्स। हालांकि स्पोर्ट बहुत कंपलसरी है, इससे बच्चे तकड़े होते हैं, उनके अंदर बड़ा बात करने का हर चीज का ना एक तरीके का आता है, तो स्पोर्ट्समैन कहते हैं ना कि जेंटलमैन होता है, तो ये सही है, क्योंकि स्पोर्ट बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, राइट? तो हम बिल्कुल पीछे चले गए। आप देखने गवर्नमेंट के स्कूल, खासतौर पंजाब या उस पर आप देखे थे, इस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शाबाश है कि हमारे इस बनने में बेचारे ने वहां तक पहुंचा अपनी इंडिविजुअल यानी कि मेहनत से। अब हमारा स्पोर्ट बोर्ड का सब पर देखे, हमारे पास टैलेंट है, अगर हम उसमें लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके देखें और कंपलसरी करवाएं, तो हमारे यहाँ भी है ना जो बच्चे और ये स्पोर्ट में सब निकलेंगे। जावेद मियां दाद साहब, एक और भी चीज़ है कि पता ही नहीं होता इन गेम्स का, जैसे जेवलिन थ्रो का नाम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पता चला है, जब ये हमारे जो अरशद नदीम हैं ये इतना आगे तक गए हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी गेम्स हैं जिनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता, जिनके बारे में पता ही नहीं होता, तो कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को क्रिकेट के अलावा भी और जितनी भी गेम्स हैं इनको हाईलाइट करने की और बताने की लोगों को कि ये भी गेम्स हैं, ताकि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल, हाईलाइट तो देखें करनी चाहिए, वही मैं कहता हूँ ना, स्कूलों में और कॉलेजेस में ये कोई भी गेम आम हो जाएगा ना पाकिस्तान में, यानी कि जिसको स्कूल कॉलेजेस और ये सारे रिकग्नाइज कर रहे हो, खिलाते हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं, क्योंकि वो नहीं है कि एक आप ग्राउंड बना दें, नहीं, मगर जो जो इंस्टीट्यूशन है उधर से लोग पढ़ के भी निकलते हैं, इसी तरीके स्कूल में भी निकलते हैं। मैंने वही बताया ना कि हमारे टाइम में हमने भी, क्योंकि स्पोर्ट्स कंपलसरी होती थी, इंटर स्कूल होते थे, इंटर कॉलेजेट होते थे, ये चीजें बच्चों को पता चलता है। जब तक बच्चे को या किसी को पता नहीं चलेगा, वो कभी भी ना ऊपर नहीं आ सकता, इसको बच्चों को बनाना पड़ता है। एक स्पोर्ट्स का टीचर भी होता है, आपके वहाँ कोचिंग भी होती है, कोच भी होते हैं, वो वहीं से बच्चों को उठाते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसको ना इस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियादाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो भारत ने एक बिल्कुल बॉलीवुड की ट्रिपिकल मूवी की स्टाइल में आज एक गोल्ड मेडल जीता। आपने अगर ओलंपिक फॉलो किया है तो आपको पता चलेगा दोस्तों, ये भारत के पास लास्ट मौका था जैवलिन थ्रो में, यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं आप भाला फेंक में, लास्ट मौका था। और नीरज चोपड़ा बिल्कुल एक मतलब हीरो टाइप के तो वो दिखते हैं, और हीरो की तरह उन्होंने बिल्कुल फाइनल जो उनका थ्रो था वो डिसाइडर था कि उन्हें गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा, हालांकि वो ब्रॉन्ज के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे फाइनल थ्रो से। तो दोस्तों, उन्होंने बेहतरीन मारा और
हो गया इंडिया का गोल्ड कन्फर्म। अगर ये गोल्ड ना आता तो भारत का ये मेडल के हिसाब से तो सबसे अच्छा वो होता, ओलंपिक होता, लेकिन लंदन में हमारे पास 6 मेडल थे, उसमें एक गोल्ड भी था। तो ये हमारे पास एक मतलब लंदन ओलंपिक से 2012 में जो हुआ था उससे सबसे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था, और एज अ इंडियन हमें खुश होना चाहिए। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में इतने कम मेडल आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों आपको भी पता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर क्रिकेट सारे गेम को खा गया है और लोग क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हालांकि ये कोई गेम जो दूसरे गेम है इनके बारे में तो लोग जानते भी नहीं है, मतलब इनके रूल्स भी आज लोगों को पता नहीं थे। आप देख रहे होंगे सुबह अदिति अशोक ने ऑसम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया गोल्फ में, गोल्फ के लोगों को रूल ही नहीं पता, लेकिन बस वो मीम शेयर कर रहे थे गोलमाल 3 का, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन सुनकर अच्छा लगा। बसुली भाई का वही मीम शेयर हो रहा था, ऐसी ही कुछ हालत थी। लेकिन दोस्तों हो सकता है भारत के 2 करोड़ लोग मैं 130 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ बच्चे इंस्पायर हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर बच्चे इंस्पायर हो जाएं, और शायद आने वाले आने वाले ओलंपिक्स में कुछ ऐसा कर दें कि हमें मज़ा आ जाए। ऑस्ट्रेलिया की आबादी केवल 2.5 करोड़ है, इंग्लैंड की आबादी भी बहुत कम है और जापान की आबादी भी बहुत कम है, आप सोचें, और वहाँ पर मेडल की संख्या देखें लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। आपको भी पता है हॉकी में इंडिया पहले कैसे जीता था, जब से वो टर्फ आई हैं सब कुछ चेंज हो गया। तो ये चीज़ें भारत में अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। भारत में जैसे हॉकी में उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की, उनकी वजह से आप देख सकते हो क्या हुआ। और ये नीरज चोपड़ा हैं, ये भी विदेशों में, इनके अगर आप ट्वीट देखें तो विदेशों में ये कोविड के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोल रहे थे कि इनको वीज़ा के लिए हेल्प किया गया और इन्होंने यूरोप में जाकर ट्रेनिंग की। तो इन पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था, हालांकि आर्मी के बंदे तो इन्वेस्ट करना बनता भी था, तो ये मतलब इन्होंने निराश नहीं किया इनका इन्वेस्टमेंट का, हमें रिजल्ट अच्छा मिला। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो अरशद नदीम थे उनका मैं वीडियो देख रहा था, काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से थे, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे, और मैं समझ सकता हूँ ये डेफिनेटली एक सच है कि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं रही होगी, और वो फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिए, टॉप 5 पे आए, तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था बिल्कुल इसके मतलब उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कि मेरी इंस्पिरेशन है ये नीरज चोपड़ा। तो वो हालांकि इनसे एज में ज़्यादा बड़े हैं लेकिन अच्छी बात है, ऐसा एक अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया जिसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो दोस्तों पाकिस्तान का परफॉर्मेंस तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस ये ओलंपिक में काफ़ी अच्छा रहा। इंडिया अगर आज जो गोल्फ में बिल्कुल मतलब थोड़े से मार्जिन से गया, अगर आपने एक पंकज पूनिया का मैच फॉलो किया होगा, आखिरी 10 सेकंड में मैच का फैसला हुआ। हॉकी का जो हुआ था बिल्कुल चकदे स्टाइल में चल रही थी इंडिया की लेडी वुमेन्स टीम, जिसमें आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराती है इंडिया, फिर अर्जेंटाइना से अगर मैच होता है आपको याद होगा चकडे मूवी में, तो वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन से होता मैच, लेकिन यहाँ पर हुआ ऐसा कुछ कि वो मूवी और रियलिटी में फ़र्क हो गया और इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाई, और फिर जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ था। लेकिन हो सकता है कि ये शायद हमारे लिए एक ज़बरदस्त बात हो, नेक्स्ट टाइम बहुत मेहनत करें और नए नए प्लेयर निकल कर आए। आपको भी पता है हॉकी का यूज़ हमारे कंट्री में ज़्यादातर मारने के लिए होता है, लोगों की कार में हॉकी रखी रहती है किस लिए आपको भी पता है, बेसबॉल रखे रहते हैं किस लिए, बच्चे को शायद लगता होगा कि हॉकी और बेसबॉल का यूज़ तो शायद मतलब ये सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ आपको भी पता है कि खेलने के लिए होता है, और स्पेशली क्रिकेट से अगर थोड़ा सा ध्यान बच्चे इन गेम्स पर दे दे तो शायद हम मेडल बहुत ज़्यादा जीत जाएं। क्रिकेट के घटिया मैच की भी व्यूअरशिप, अभी जो श्रीलंका में सीरीज चल रही थी उसमें आधे प्लेयर कोविड की वजह से हमारे क्वारंटाइन में थे, लेकिन उसकी व्यूअरशिप ना इन ओलंपिक से ज़्यादा हो जाती है। तो आप समझ जाओ कि क्रिकेट का कितना बड़ा मतलब खाने का मतलब ओवर शेडो करने का एक रोल है। ऐसा ही पाकिस्तान में, ऐसा ही बांग्लादेश में, ऐसा ही श्रीलंका में, सभी जगह। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो पेरिस ओलंपिक, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको मैंने सुना उन्होंने बोला कि हमारी तैयारी 2028 के ओलंपिक की सबसे अच्छी रहेगी।